पॉजिटिव वर्ब के प्रयोग में हम लोग चार वर्ड्स का प्रयोग करते हैं, जिनमें से पहला है मैं, कॉज, टू गेट एंड हैव। ये चार ऐसे वर्ड हैं जिनका प्रयोग हम लोग पॉजिटिव वर्ड में करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मेक और कॉज टू के प्रयोग के बारे में सीखेंगे। मेक और कॉज टू का प्रयोग हम लोग एक्टिव वॉइस में करते हैं, जिसमें एक्टिव वॉइस का अर्थ ये होता है कि जिसमें हम किसी कार्य को जो करता होता है स्वयं करता है, वो किसी दूसरे से कोई कार्य नहीं करवाता है। उससे अगर जो सेंटेंस है वो अगर एक्टिव वॉइस में है तभी हम मेक और कॉज टू का प्रयोग एज ए एक्जिलरी वर्ब यूज करते हैं, या एज ए जो वर्ब है उसे यूज करते हैं। जैसे एक सेंटेंस को हम लोग लेते हैं, जैसे उसने बच्चे को बुलाया, उसने बच्चे को बुलाया। इस सेंटेंस में आप ध्यान दीजिए, भले ही यह सेंटेंस किसी दूसरे के लिए बात की गई सेंटेंस में, लेकिन है एक ही सब्जेक्ट, एक ही कर्ता के बारे के लिए बात की गई है। तो इसका हम ट्रांसलेट करते हैं तो इसका होगा ही मेड द चाइल्ड बी या और ही कॉज ये है हमारे कॉज और मेक का प्रयोग। चूंकि मेड इसलिए यूज किया गया है क्योंकि आप जहां देख रहे हैं कि सेंटेंस जो है पास्ट सिंपल पास्ट में है या पास्ट इंडिफिनिट में है। नेक्स्ट जो आपका जो गेट और हैव का प्रयोग के बारे में अगर हम लोग बातें करते हैं, तो गेट और हैव का प्रयोग जो है वो पैसिव वॉइस में होता है। और पैसिव वॉइस का मतलब आप जानते हैं कि जो कार्य किसी दूसरे से करवाया जाए। जैसे मैं तुमसे एक पत्र लिखवाऊंगा, या इसे इस सेंटेंस को ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं, उसने मुझसे एक पत्र लिखवाया। यहां ध्यान दीजिए, यहां जो कर्ता है, जो आपका सब्जेक्ट है और जो कार्य करने वाला, देखिए दोनों में डिफरेंसेस पाया गया है। इसमें अगर ध्यान दें तो हम उसने और मुझसे दोनों सब्जेक्ट के रूप में यूज किए गए हैं। एक है जो कार्य को करवाता है और दूसरा है जो कार्य को करता है। तो इस सेंटेंस को हम जब ट्रांसलेट करते हैं तो इसमें हम लोग गेट और हैव का प्रयोग करते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। ही गॉट me a letter he got a letter written by me। इस प्रकार के वाक्य को हम he got
अ लेटर रिटन बाय मी या और ही हैड अ लेटर रिटन बाय मी। ये आपके कॉज आपके कॉजेटिव वर्ब का प्रयोग है। ये बहुत ही सरल है, इसके उपयोग में हमें विभिन्न अन्य विधियों का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये इतना ही पर्याप्त है। और इसमें आपको सिर्फ एक चीज है जो आपको ध्यान देना है कि मेक और कॉज का प्रयोग जो होता है वो एक्टिव वॉइस में होता है, गेट और हैव का प्रयोग जो होता है वो पैसिव वॉइस में होता है। एक्टिव वॉइस का मतलब आप समझ रहे हैं, जिसमें कर्ता स्वयं जो है कार्य किसी कार्य को करता है, और पैसिव वॉइस में जो है जो कर्ता होता है वो किसी अन्य दूसरे कर्ता से कार्य को करवाता है। तो ओके गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। बाय।